हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है वेज मेयोनीज सैंडविच बनाने की। ये सैंडविच बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं, क्योंकि इन्हें हम कई वेजिटेबल्स का यूज़ करके बनाते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो वेजिटेबल्स खाना नहीं पसंद करते हैं, तो आप एक बार उनके लिए वेजिटेबल सैंडविच ज़रूर बनाइएगा। उनको बहुत पसंद आएंगे और इसी बहाने वो वेजिटेबल्स भी खा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये वेज मेयोनीज सैंडविच बनाना। वेज मेयोनीज सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिया है वेजिटेबल्स में बारीक कटी हुई गाजर, एक छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर, एक छोटी बारीक कटी हुई प्याज, एक छोटा बारीक कटा हुआ खीरा, आप चाहें तो खीरे को कद्दूकस भी कर सकते हैं, एक छोटी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। वेजिटेबल्स में आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी वेजिटेबल ऐसी है जो नहीं पसंद है, तो आप ना डालें। और लेनी है काली मिर्च 1/4 चम्मच, चाट मसाला 1/4 चम्मच, चाट मसाला ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो नमक का यूज़ थोड़ा कम करेंगे यहाँ पर। और लेंगे मेयोनीज। ये मेयोनीज इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में और ये कई फ्लेवर में मिलती है। ये मैंने एगलेस मेयोनीज का यूज़ किया है। और लेंगे टोमेटो सॉस 2 टीस्पून। अगर आपको सैंडविच में टोमेटो सॉस नहीं है पसंद, तो आप ना लें। और ये मैंने लिए हैं 6 व्हाइट ब्रेड। आप व्हाइट ब्रेड की जगह पर ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेकर इसमें जो वेजिटेबल्स ली हैं उनको ऐड करेंगे। खीरा, इसे मैंने बहुत ही बारीक पीसेस में कट किया है, आप चाहें तो जो सभी वेजिटेबल्स हैं उनको कद्दूकस कर सकते हैं। शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई गाजर, प्याज, अभी इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। ये मैंने 1/4 चम्मच नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का यूज़ करें। काली मिर्च 1/4 चम्मच, चाट मसाला 1/4 चम्मच, अब इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून मेयोनीज, मेयोनीज डालकर अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मैंने मेयोनीज और वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक नाइफ की हेल्प से ये जो ब्रेड है इनकी एजेस को कट कर लेंगे। और ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो एजेस को बिना कट किए हुए भी ये सैंडविच बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इनको ज़्यादा कट नहीं करना है, बहुत कम कम कट कर रही हूँ मैं। और इसी तरह से सभी एजेस को कट कर लेंगे। अभी मैंने सभी ब्रेड की एजेस को कट कर लिया है और ये जो एजेस हैं इनको आप फेंके नहीं, आप इनसे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, जो कि कई रेसिपीज में यूज होता है। अब 2 ब्रेड लेकर उसके ऊपर टोमेटो सॉस स्प्रेड करेंगे। टोमेटो सॉस के अमाउंट को आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर बिना टोमेटो सॉस के भी आप बना सकते हैं ये सैंडविच। टोमेटो सॉस को स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर जो मेयोनीज और वेजिटेबल्स की फिलिंग है उसको स्प्रेड करेंगे इवनली, इस तरह से पूरे ब्रेड पर स्प्रेड कर देंगे। और ये जो फिलिंग है आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं अमाउंट में। अब इसके ऊपर जो दूसरा ब्रेड है उसको रखेंगे। अब ये पहला सैंडविच बनकर बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे बटर के साथ तवे पर सेक भी सकते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक, लेकिन ये इस तरह भी बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर बनाकर देखिए। अब इसी तरह से सभी सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे।
इन सैंडविचेस को आप इस तरह टू पीसेस में कट करके सर्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें और छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं, और इन्हें आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। ये लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।